नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई 2024 को पड़ रही है रविवार, अष्टमी तिथि। दोस्तों, यह जो रविवार है आषाढ़ महीने में पड़ने वाला सबसे खास रविवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो आषाढ़ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार अष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है।
बेलपत्र के पेड़ के पास देखिए। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है, और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है, और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा, आप बहुत ही छोटा सा उपाय है करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है, 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ मैं आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लोक का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है
आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है, और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये दो लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो दो लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लौटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये दो लौंग डाल देनी है, और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लौटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लौटे जल में है जिसमें अपने दो लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है, और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है, और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ मैं आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है, और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है, और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए यह जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए
लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना।